यार बहुत जोड़ों की भूख लगी है। सिंचन कहाँ है यार, कुछ खाने को दे दो यार, मेरे को बहुत जोड़ों की गाजर भूख लगी है। पता नहीं यार ये सिंचन है किधर यार, मेरे को बहुत ज़्यादा जोड़ों की भूख लगी है। सिंचन पता नहीं यार कहाँ चला गया। चलो यार फटाफट से मैं ऊपर जा कर देखता हूँ कि भाई कुछ बचा है भी कि नहीं। भाई दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। सारे कपड़े मैंने बेच दिए, सारे कार्स बेच दिए, और भाई साहब अभी भी खाने का अब नहीं है। बस ये घर बचा है गाइस यार, कि घर भी धीरे धीरे करके बिकी जाएगा। पता नहीं यार ये सिंचन और चॉप मिलके मेरे को कंगाल करके छोड़ेंगे। चॉप को रोज़ भाई नई नई हड्डी चाहिए, और सिंचन को नए नए पिज्जे चाहिए अलग अलग वैरायटी के। तो गाजर चलो यार, पता नहीं यार इनको कौन 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 से चाहिए। मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगता है पिज्जा, बट क्या कर सकते हैं, मेरे को एक ही वैरायटी का भाई साहब मिलता है, मतलब एक ही तरह का पिज्जा मिलते रहता है। चलो देख लेते हो, कल पिज्जा ऑर्डर किया था बट खाया नहीं था। और ये देखो चॉप और सिंचन ने बस एक स्लाइस छोड़ा है यार। पता नहीं यार ये लोग मेरे को भाई ऐसा करके छोड़ेंगे ना भाई। देखो मेरा जी जूस वूस भी सारा लोग पी गया यार, क्या ही कर सकते हैं यार। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, दिल से ज़्यादा बुरा लगता है यार। चलो कोई बात नहीं यार, ये तो ख़त्म हो गया। अब सिंचन से ही बात करना पड़ेगा कि भाई वो खाना खाया या नहीं, क्योंकि भाई रात को उन लोगों ने लगता है पिज्जा खा लिया है, और भाई सुबह सिंचन भाई भूखा होगा। भाई छोटा बच्चा है 5 साल का, बुरा लगता है सिंचन के लिए। तो चलो यार सिंचन से मैं बात कर लेता हूँ कि सिंचन है किधर, उसने भाई खाना वाना खाया, या चॉप को भाई खाना वाना मिला कि नहीं। मैं तो ऐसे रह लूँगा यार, क्या ही कर सकते हैं, इतने ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं यार। चलो मैं देख लेता हूँ सिंचन कहाँ पे है। अबे सिंचन तू कहाँ से आ रहा है? अरे थैंक यू भैया, क्या बताऊँ, बगल में शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे छोले पकौड़े बना के दिए। अबे क्या बात कर रहा है, छोले पकौड़े? अरे छोले भटूरे वो। अबे भाई साहब तू छोला भटूरा खा के आ रहा है, और मैं भाई कल रात से ही भूखा हूँ, क्या यार सिंचन। अरे थैंक यू भैया, आप बोलते आपके लिए भी लेते आता। अबे भाई जाना लेते आ यार एक प्लेट। अरे थैंक यू भैया, अब तो खत्म हो गए। अबे ऐसा कैसे खत्म हो सकता है, भूख लगी थी मेरे को यार। अरे यार मेरे को जाके फ्रैंकलिन के बात करना पड़ेगा, ये बहुत ही बड़ा वाला मेरे पे मुड्डा आया है यार। अरे फ्रैंकलिन कहाँ हो यार? अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मैं लेस्टर तुम्हारे घर आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन इधर देखो। अबे क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन मैं तुमको क्या बताऊँ, मेरे पास बहुत ही बड़ा वाला आइडिया मिला है एक। अबे क्या बात कर रहा है? अरे है फ्रैंकलिन, अब बहुत ही बड़ा खुफिया जगह पे तुमको जाना पड़ेगा, और तुम अमीर हो जाओगे। अबे सिर्फ जाऊंगा अरे अमीर हो जाऊंगा? अरे नहीं फ्रैंकलिन यार, तुमको कुछ करना पड़ेगा। अभी अभी खुफिया सूत्रों से मेरे को पता चला है ना। अबे क्या पता चला है वो तो बता दे। अरे मैंने हैक किया है लोकेशन, उसमें एक लोकेशन पे दो बिजनेसमैन मिलने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और एक डाकू है। डाकू जो है बहुत ज्यादा सोना चुरा के बिजनेसमैन से बेचने वाला है। अबे क्या बात कर रहा है, बिजनेसमैन चोरी का सामान खरीद रहा है, मतलब इलीगल तरीके से सोना खरीद रहा है? अरे है फ्रैंकलिन, वो भी बहुत ही ज्यादा सोना। अगर तुम उसको चोरी कर लोगे तो हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अबे क्या बात कर रहा है, चोरी के कर लेंगे तो अमीर हो जाएंगे? अरे है फ्रैंकलिन, अगर तुम चोरी कर ले तो पुलिस वालों को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सरकारी नहीं है, गैर कानूनी तरीके से बेच रहे हैं ना। अबे भाई ये भी सही बात है, अगर हम लोगों ने चोरी कर लिया तो कितना ज्यादा का फायदा होगा। अरे फ्रैंकलिन यार तुम ये सब छोड़ो, करोड़ों रुपए मिलेंगे, करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा के सोने होंगे वो। अबे भाई साहब इतना ज्यादा पैसा? अरे है फ्रैंकलिन चोरी कर लो। भाई साहब इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हम लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। भाई साहब तू भाई मेरे को फटाफट से लोकेशन भेज दे। अरे है फ्रैंकलिन अभी अभी लोकेशन दे देता हूँ, तुम फटाफट से उस वाले लोकेशन पे जाओ। अबे हाँ यार सिंचन को भी ले जाओ ना। अरे थैंक यू भैया, मेरे को भी ले चलो यार। अबे हाँ यार इसने मेरे को लोकेशन मेल पे गाइजर भेज दिया, और ये देखो लोकेशन है, तो फटाफट से इस वाले लोकेशन पे गाइजर आज जाना है। अगर आज हम लोग रॉबरी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं सोनों की, तो गाइजर आज दोबारा से हम लोग पहले की तरह नहीं, पहले से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। हम लोगों के पास एक भी कार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाइजर एक बाइक बची है लास्ट, वो भी टूटी फूटी ये वाली भाई ग्रीन कलर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। सिंचन क्या बात कर रहा है, चले ना? अरे हाँ फ्रेंकी भैया चलो, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी चोरी करेंगे ना। अबे हाँ यार ये भी बात है, जितनी जल्दी जाएंगे गाइजर उतनी जल्दी चोरी करेंगे, और उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, सिंचन फटाफट से बैठ जा। अरे फ्रेंकी भैया जल्दी चलाओ यार, रह नहीं जाता सोना देखे बिना। अबे भाई ऐसा क्या हो गया? अरे फ्रेंकी भैया हेलमेट पहन लो। अबे भाई हेलमेट भी पहनना है, चल यार हेलमेट भी पहन लेता हूँ, उसके बाद निकलते। अरे फ्रेंकी भैया गन कौन लेगा? अबे भाई तू तो सही बोल रहा है, बिना गन के भाई काम ही नहीं होगा। अगर भाई ज्यादा गुंडे होंगे तो भाई वो मेरे को फायरिंग करेंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अरे फ्रैंकी भैया आपके पास तो गन ही नहीं है। अबे नहीं यार मेरे पास एक गन है, मैंने चोरी करके एक गन रखा था। कल रात को ही कुछ गुंडे आए थे हमारे मोहल्ले इलाके में चोरी करने, तो उनको मैं एक दो हाथ दे के भाई ले लिया। सिंचन तू इधर ही रहना, तो चलो यार मैंने एक दो हाथ लेके और उनसे भाई एक गन चोरी कर ली थी। देख लेते हैं कि भाई वो चलती भी है कि नहीं। भाई वो तो नई लग रही थी, चलो यार मैंने इधर ही रखी थी लाके।
कहाँ पे है कहाँ, ये रही क्या, जरा शॉर्ट गन लेके भाई चोरी कर रहे थे हमारे घर के बगल में, तो मैं थोड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, उनको भाई एक दो हाथ दिया मैंने और गाइस यार उनसे छपट्टा मार के छीन लिया और वो लोग भाग गए। तो चलो यार मैंने गन ले लिया है, अभी फटाफट से गन का काम हो गया। चल सिंचन ये वाली शॉर्ट गन मेरे पास मिल चुकी है, देख। अरे फ्रेंकी भैया बस शॉर्ट गन से काम होगा, स्नाइपर ले लो। अबे भाई तेरे को पता है वो भाई टर्नल के अंदर जाना है हम लोगों को, उधर स्नाइपर काम ही नहीं करेगा। अरे फ्रेंकी भैया फिर भी यार, अबे स्नाइपर है ही नहीं तो कहाँ से लो। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, अभी हम लोगों ने भाई साहब ये वाला लोकेशन पे जाना है। देखो यार इधर ही का कहीं का लोकेशन दिया है लास्टर ने, वहाँ पे गाइज़ हम लोगों को जाना है। तब तक गाइज़ जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना, और गाइज़ बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया सब्सक्राइब भी कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, सारा चीज कर देना हमारे को। अबे हाँ यार, तो चलो गाइज यार आज अगर हम लोगों को मिल जाता है गोल्ड 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 यानी कि बहुत सारा सोना, तो फिर से हम लोग दोबारा से पहले से ज्यादा अमीर हो जाएंगे, है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अबे हाँ यार काफी ज्यादा पहले से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो चलो यार फटाफट से पहुंचते हैं हम लोग भाई आज जाके, भाई जाके वहां से चोरी कर लेना है काफी ज्यादा सोना, और गाइस यार हम लोग पुलिस वालों का भी डर नहीं है, है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यही तो एक खास बात है, पुलिस वाले भी पीछा नहीं करेंगे हम लोगों का। अबे हाँ यार, और भाई सोना चुरा के एक जगह पे ले जाना है बगल में ही है, तो चलो यार फटाफट से इसी वाले लोकेशन पे। लास्टर ने मेरे को गाइस यार बताया था कि इधर ही लोकेशन है, यहाँ पे एक टर्नल है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया मेरे को पता है, आगे से नीचे जाओगे तो है। अबे तू आया है क्या इधर। अरे हाँ फ्रेंकी भैया बहुत बार अपने दोस्तों के साथ। अबे ऐसा है क्या, बहुत बार तू आ चुका है, भाई जाके उतर के देखते हैं गाइस यार नीचे क्या होता है। पता नहीं यार सिंचन को लगता है कि ये इधर ही टर्नल है, मेरे को तो डर लग रहा है नीचे जाए कैसे। अरे फ्रेंकी भैया आप तो हेवी ड्राइवर हो, आप कितना क्यों सोचते हो। अबे हाँ यार मैं तो ज्यादा, अबे यही टर्नल है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया इसी के अंदर। अबे भाई इसके अंदर पानी वानी तो नहीं आ जाएगा ना अचानक से, हम लोग डूब के मर जाएंगे इसी में। अरे नहीं फ्रेंकी भैया कुछ नहीं होगा, चलते रहो। अबे चलते रहो, चलो गाइस यार चलते रहता हूँ। पता नहीं यार भाई आगे से गुंडे मत आ जाए और हम लोगों को मार मत दे डायरेक्ट। अरे फ्रेंकी भैया तो देखते रहना, थोड़ा दूर से ही दिख जाएंगे वो लोग। अबे हाँ यार ये भी सही बात है, थोड़ा दूर से ही दिख जाएंगे कि गुंडे हैं आगे। भाई मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे हम लोग जाते जा रहे हैं। सिंचन कुछ दिखा मेरे को। अरे फ्रेंकी भैया क्या बात कर रहे हो। अबे हाँ यार मेरे को दिख गए उधर गुंडे हैं कुछ। अरे फ्रेंकी भैया तो डर क्यों रहे हो यार, सीधे जाके एक बार पार कर दो। अबे हाँ यार ये भी सही बात है, एकदम तेज स्पीड में ले जाके पार कर दे, है ना सिंचन। अरे हाँ उनको पता भी नहीं चलेगा कौन आया कौन गया। अबे हाँ यार ये लिया मैंने फुल स्पीड, और गाइस यार ये देखो कितने ज्यादा गुंडे हैं, और यहाँ पे भाई मेरे को सोना भी दिखा सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया मेरे को तो उतना नहीं दिखा, आपने इतना तेजी से पार कर दिया यार। अबे भाई साहब तेरे को नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं गाइस यार सामने काफी सारे गुंडे भी है, और मैं एक काम करता हूँ भाई साहब गुंडों की हेकड़ी निकालता हूँ बाइक से कुचल कुचल के। गाइस यार ये अपनी बाइक कब काम आएगी। तो फाइनली गाइस यार ये देखो एक दो बंदों को ऐसे निपटा दूंगा, ये भाई साहब एक गया दूसरा गया तीसरा गया, गाइस यार तीन बंदों को निपटा डाला है मैंने, मतलब दो बंदों को ज्यादा चोट आई होगी, एक बंदा बच गया है। तो भाई ऐसे ही कर करके मेरे को सारे लोगों को मारना है। तो गाइस यार ओ भाई ये देखो फायरिंग भी करना स्टार्ट कर दिए ये लोग, तो गाइस यार सारे लोगों को ऐसे मारना, और भाई ये बिजनेसमैन दोनों इधर खड़े हैं। तो भाई सिंचन यार बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे फ्रेंकी भैया क्या बात कर रहे हो, मेरे को भी ले चलो ना। अबे नहीं यार तू नहीं जा सकता भाई, बुलेट्स पड़ रहे हैं मेरे को, भाई इधर उधर से निकल गए तेरे को सामने से पड़ जाएंगे। तो एक और दो बार भाई इधर जाता हूँ, और गाइस यार मैं यहाँ पे छिप के अब सबको मारूंगा। अरे फ्रेंकी भैया थोड़ा संभल के फाइट लेना। अबे तेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेसमैन गए दोनों, और गाइस यार फाइनली मैंने बिजनेसमैन को टपका दिया है, एक गुंडे को भी मारा है जो कि सारे गुंडों का हेड था। तो भाई इन सबको मारना पड़ेगा, ये देखो गाइस यार स्नाइपर रहती तो मैं इनको बहुत ही जल्दी निपटा डालता, क्योंकि थोड़ी दूरी पे खड़े हैं और गाइस यार धीरे धीरे पास आ रहे हैं, तो मेरे को इधर ही रुकना पड़ेगा। और ये लोग पट से हेडशॉट, और गाइस यार फाइनली ये लोग भी मेरे को फायरिंग कर रहे हैं, बट भाई इनको भाई गन चलाने आ नहीं रही है, मेरी गोलियाँ इधर से उधर पार हो जा रही है, भाई मैं तो हीरो निकला। और गाइस यार कुछ बंदे बचे, और ये गया तू भी गया, गाइस यार फाइनली सारे लोगों को मैं निपटा डालू, ये एक बचा ये और एक बचा ये। गाइस यार सिंचन देख रहा है। अरे फ्रेंकी भैया ये तो बढ़ते जा रहे हैं। अबे नहीं बढ़ते नहीं जा रहे हैं, बस इतने ही थे, दो चार और बचे हैं, दो चार भत्म हो जाएंगे तो तू आ जाना। अरे हाँ फ्रेंकी भैया खत्म हो गए आ जाऊँ। अबे हाँ फटाफट से आ जा। तो गाइस यार फाइनली मैंने सारे गुंडों को सफाया कर दिया, और गाइस यार यहाँ पे देखो सारे के सारे गुंडे, ये देखो बचा अभी आधा मरा हुआ था इसको भी खत्म किया, और गाइस फाइनली सारे को मार दिया। और ये देखो सोना,
गाइस 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 ये सारे गुंडे थे और सबको मैंने मार दिया। ये बिजनेसमैन था और इसके पास काफी ज्यादा सोना था। और भाई मैं आपको सोना भी दिखाता हूँ। अरे फ्रैंकी भी ये सब छोड़ो, सोना लो को भागो यहाँ से। अब इनकी ये कार है और अपनी बाइक भी है, तो अपनी बाइक को भाई छिपानी पड़ेगी, वरना भाई अगर पुलिस वालों को पता चल गया कि यहाँ पे ये सब हुआ है तो अपनी बाइक भी पता चल जाएगी, तो बाइक को थोड़ा छिपानी पड़ेगी। और गाइस यार ये देखो, ओ भाई साहब इतना ज़्यादा सोना, लेस्टर के भाई साहब खुरा के दिमाग से हम लोगों को इतना ज़्यादा सोना मिल गया। और गाइस यार ये इल्लीगल था, अब लेस्टर इसको भाई अपने तरीके से बेच देगा सिंचन और हम लोगों को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ये वाली कार हम लोगों को गाइस यार डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। लेस्टर ने मेरे को गाइस यार बताया था कि वहाँ पर जितनी सारी कार्स और बाइक मिलेगी सबको आग लगा देना और बॉडी को भी जला देना, क्योंकि किसी को भी पता भी नहीं चले कि भाई यहाँ पर कुछ हुआ था। और किसी को पता भी चलेगा तो भाई सोच लेंगे कि यहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ था और सारे के सारे लोग मर गए। तो गाइस यार इसमें मैंने आग लगा दी है सिंचन, और गाइस सारे के सारे सोनों को एक काम करता हूँ दूर ले जाने के लिए। भाई अभी मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ और इससे गाइस यार बोल देता हूँ कि मेरे को एक बहुत ही बड़ी वाली ट्रक चाहिए सारे के सारा सोना यहाँ से निकालने के लिए, वरना गाइस यार पुलिस वालों को पता चल गया तो सारा सोना उन लोगों के गिरफ्त में चला जाएगा और भाई ये सरकार का हो जाएगा। अभी इल्लीगल है, बिजनेसमैन खरीद रहा था वो डाकू से, और डाकू वाले जो गुंडे थे वो लोग कहीं से चोरी करके गाइस लाए थे, और अभी ये मिल जाएगा, है ना सिंचन। अरे हां फ्रेंकी भी क्या कर रहे हो ये सब? अबे ये सब मैं फोड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे फ्रेंकी भी सारे बाइक और कलेक्शन को, मतलब सारे कार्स को एक जगह रख दो और सारे लाशों को भी जला देना। अबे हाँ ये भी सही है, तो पहले गाइस मैं एक काम करता हूँ, लेस्टर को गाइस कॉल करके एक ट्रक को बोल देता हूँ लाने के लिए और एक बंदा भेजने के लिए जो कि मेरी बाइक को ले जाएगा यहाँ से, तो मैं फटाफट से उसको कॉल लगा लेता हूँ। गाइस फाइनली अभी एक ट्रक वाला आ गया यहाँ पे देख सकते हो, और भाई ये ट्रक वाला ये रहा, और भाई इसी ने भाई ये वाली बड़ी सी लॉरी लेके आई है जिसमें हम लोग ले जाएंगे, और ये अपनी बाइक भी यही चला के ले जाएगा। तो ये वाली बड़ी सी ट्रक है, इसी में गाइस सारे के सारे जितने भी सारे सोने हैं इसके ऊपर लाद के ले जाना हम लोगों को गाइस लेस्टर के घर के बगल में। ये यहाँ पे एक ऑफिस है, लेस्टर का ऑफिस है, उधर ही बोला है उसने, लोकेशन भी सेंड कर दिया है गाइस। और पहले तो भाई सारे के सारे लाशों को हम लोगों को ठिकाना लगाना है। लेस्टर ने अभी फिर से कॉल पे बताया कि सारे लाशों को जला देना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो चलो यार काम करते हैं, फटाफट से सारे लाशों को जला देते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने सारे लाशों को एक जगह रख दिया, और ये वाली कार को भी अभी जलाना है। तीन कार थी गाइस, एक बिजनेसमैन की थी और दो भाई एक भाई दो ऐसी कार थी जो कि भाई गुंडों की थी, यहाँ पे देख सकते हो गुंडों वाली ऑफ रोडिंग वाली है। तो मैं तीनों को एक जगह गाइस मैंने कर दिया। सिंचन तू साइड में हो जा। अरे फ्रेंकी भी आग लगाओगे क्या? अबे हाँ यार इसमें अब आग लगाना है। तो गाइस यार फाइनली धुआं तो निकल रहा है, एक दो गोलियां मारूंगा तो ये फट जाएगा। हट सिंचन जल्दी यहाँ से, ये देखो चूहा भी जा रहा है नीचे नाले में। तो भाई ये बड़ा सा नाला है, इसमें पानी कभी कभी आते रहता है, तो भाई ये जल जाएंगे मर जाएंगे, उसके बाद पानी वानी छोड़ दिया जाएगा तो सारे बह जाएंगे। ओ भाई सिंचन देख रहा है। अरे फ्रेंकी भैया ऐसे कौन करता है यार? अबे भाई तू, मैंने तेरे को मैंने बोला था कि तू पहले से साइड हो जा, लेकिन तू साइड होता नहीं है। तो गाइस यार फाइनली सारे के सारे लोग जल के मर चुके हैं यहाँ पे देख सकते हो, और अभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पता भी चलेगा तो ये लगेगा कि भाई उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अभी फिलहाल गाइस यार एक काम करते हैं, सारे के सारा सोना को इस वाले लॉरी में ले जाते हैं, अपने इंडियन ट्रक है गाइस यार, इंडियन ट्रक भेजा है लेस्टर ने, बहुत ही अच्छी वाली ट्रक है। ये वाली ट्रक आपको कैसी लगती है आप कॉमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को स्पेशल एकदम अच्छी लगती है। तो आप कॉमेंट में ये भी बता देना कि ये वाली ट्रक आपको अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। और गाइस यार यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा सोना था ना भाई, क्या ही कर सकते, तो सारे को वो उस पर लोड करते हैं। तो फाइनली गाइस सारा सोना को मैंने ट्रक में लोड कर दिया है, और सिंचन ने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अरे फ्रेंकी भैया मैं तो हमेशा करता हूँ यार। अबे तू हमेशा करता है, सही बात है, तेरे को भी पैसे दे दूंगा पिज्जा के। अरे नहीं फ्रेंकी भैया मेरे को 50-50 चाहिए। अबे तेरे को 50-50 चाहिए? गाइस यार मेहनत मैंने इतने किया और इसको 50-50 चाहिए, चल भाई ले लेना शेयर अपना। तो गाइस यार चलो फटाफट से अभी निकलते हैं, अपनी ट्रक में सारा का सारा सोना हम लोगों ने लाद लिया है, और अभी फिलहाल इधर से फटाफट से निकलते हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले को पता चल गया तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। और भाई पुलिस वाले को यहाँ से आने के पहले हम लोगों को निकलना है। अभी लेस्टर ने बोला है कि वो पानी छोड़ देगा, किसी से बोल के पानी छोड़वा देगा, पूरे इस टर्नल में पानी भर जाता है और भाई लाशें जो है जल गई है तो इधर इधर ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही बह जाएगी कहीं नाले में, और किसी को भाई कुछ पता नहीं चलेगा, और हम लोग करोड़पति बन चुके हैं गाइस। अभी तो नहीं बने भाई, ये सारे के सारा सोना बिक जाएगा तो ही बन पाएंगे, पहले इस सारे को सोने को ठिकाना लगाना है,
लेस्टर ने इधर ही बोला था कि एक लोकेशन भेजा है, बट यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए भाई मैं तो भाई क्या ही बोलूँ यार, इधर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे फ्रेंकी भी आगे मत जाओ, उधर बहुत सारे बंदे होते हैं, देख लेंगे। अब ऐसा है क्या भाई? ओ भाई यहाँ पे तो काफ़ी सारे बंदे, सच बोल रहा है सिंचन, देख लेंगे तो हम लोग बुरा ज़्यादा फंस जाएंगे। तो चलो यार आगे चलते हैं, आगे से देख लेते हैं कि आगे भी भाई कोई इलाका है ऊपर ले जाने का कि भाई। हाँ सिंचन मेरे को याद आया, अरे हाँ फ्रेंकी भैया लेस्टर का तो ऑफिस आगे से लेफ्ट में है ना। अबे हाँ यार तू सही बोल रहा है, आगे से लेफ्ट में है। चलो गाइस यार फाइनली लेस्टर के ऑफिस में सारे का सारा सोना रखना है, उससे बात करनी पड़ेगी मेरे को कि सारा सोना कहाँ पे रखना है। उसके बाद गाइस यार वो सारा का सोना कि कहाँ पे बेचेगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे को 50% चाहिए, वो भी 50% रखेगा। उसके बाद 50% में मैं 25% रखूँगा, उसके बाद 25% शेयर सिंचन को दूंगा, है ना। अरे नहीं फ्रेंकी भैया, आप जितना रखना चाहो रख लेना, बस आप मेरे घर पे रहना। अबे तू मेरे घर पे रहता है, मैं तेरे घर पे नहीं रहता, ऐसा क्या बोलता है। अरे फ्रेंकी भैया जो भी हो, चलो चलो फटाफट से। अबे हाँ यार चलो। तो गाइस यार अभी इस वाले लोकेशन पे आ चुके हैं और गाइस यार सारा का सारा सोना हम लोगों को भाई साहब जब्त कर लिया है। अरे फ्रेंकी भैया थोड़ा जल्दी करो, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अबे ऐसा नहीं है यार। तो गाइस यार इसी वाले लोकेशन पे ये रहा भाई पुराना वाला लेस्टर का ऑफिस। और भाई मैं आपको बता दूं कि ये आगे से ऑफिस लगता है, मतलब अंदर भाई दर्जी का काम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई ये खुफिया इलाका है भाई, मतलब लेस्टर का खुफिया जगह है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लेस्टर यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बनाता है, मतलब कि भाई खुफिया रिसर्च करता है। लॉस सैंटोस में 2-3 जगह इसके घर है, मैं आपको बता दूंगा, दिखा भी दूंगा कभी कभी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ये वाला एक घर है जहाँ पे गाइस यार दर्जी का काम होता है, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पे आते हैं अपने कपड़े वपड़े सिलाने, लेकिन मेन जो ऑफिस है ये रहा, यहाँ पे खुफिया रिसर्च करते रहता है और भाई प्लान बनाने रहता है। तो चल यार मैं तेरे सोने के लेके आ गया हूँ। और यार क्या बात कर रहे हो, सोने लेके आ गए? अब हाँ यार सारा सोना मैं तेरा लेके आ गया हूँ, अब फटाफट से भाई बता उसको कहाँ पे रखना है। अरे तुम्हारे लिए मैंने मस्त एक कपड़ा लाया, उसको पहन लेना। अबे ठीक है मैं तेरे ऑफिस में सारा सोना रख देता हूँ। तो गाइस यार अबे ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि गाइस यार यहाँ पे दर्जी का भी काम होता है, आगे से लगेगा कि भाई यहाँ पे नॉर्मल कामें होती है, बट गाइस यार यहाँ पे मेन जो है ना भाई खुफिया इलाका है ये भाई, बहुत ही ज़्यादा, ये खुल भी नहीं रहा है पता नहीं। चलो फटाफट सारा सोना के गाइस यार इसके ऑफिस में रखते हैं एंड उसके बाद गाइस यार काम करते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला क्या करना है। तो चलो यार सिंचन सोना मैंने गाइस यार रख दिया, अभी इस लॉरी को भी काम तमाम करना है। अभी भाई साहब लेस्टर ने बोला कि इसको भी जला के ख़त्म कर दो, वरना किसी को पता चल जाएगा कि इस वाले लॉरी से हम लोगों ने सोना लेके आया तो हम लोग पूरा फंस जाएंगे। तो चलो यार इसको भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। और भाई लेस्टर ने बोला है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा सोना बेचेंगे, ऐसे एक बार में नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिकी बम लगाया और कपड़े मेरे को उसी ने दिया था, तो हम लोग भाई धीरे धीरे करके अमीर हो जाएंगे। अगर एक भी सोना बिका तो भाई कपड़े आ जाएंगे उतने में और खा पीने के सामान भी आ जाएंगे। हट सिंचन जल्दी। अरे फ्रेंकी भी आया, अभी बटन मत दबाना। अबे तू हटेगा तो ही दबाऊंगा। तो गाजर पानी अभी हम लोगों ने जला दिया पूरा का पूरा ट्रक को भी, और काफी ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं हम लोग। अभी मैं आपको गाजर दिखाता हूँ कि सारा का सारा सोना हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, लेस्टर के ऑफिस में। भाई कुछ कोई किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हम लोगों ने सारा का सारा सोना कहाँ पे छिपा के रखा है, कोई भी इधर आएगा तो सोचेगा कि भाई यहाँ पे कपड़े वपड़े सिलते होंगे। लेकिन गाइस यार मेन जो चीज़ है वो होता है आपका इस वाले ऑफिस के डबल वाले रास्ते में। और यहाँ पे देखो गाइस यार सारा का सारा सोना यहाँ पे हम लोगों ने छिपा के रखा है। ये देखो गाइस यार इतना ज़्यादा सोना है भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हम लोग अमीर बन चुके हैं, गरीब से अमीर? और भी ऐसे एपिसोड चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो आपको गाइस यार पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।